प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिले लाही ये गए। आप जानते हैं कि वीगर मुसलमान वहां पे रहते हैं, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस एरिया को कहा जाता है। और यहां पे जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अपना धर्म, अपना मजहब इस्लाम फॉलो करने के लिए वहां पे लोग हैं, वो लड़ते रहते हैं, इनका झगड़े होते रहते हैं, छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते रहते हैं और ज्यादा कुछ कर नहीं पाते बेचारे, क्योंकि वहां पे बहुत एक मजबूत शिकंजा है शी जिनपिंग का और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, लेकिन फिर भी ये लोग लगे पड़े रहते हैं। मैं काफ़ी इस पर मुख्तलिफ जगहों पर हम आपस में जो लोग हैं जिनसे हम डिस्कशन करता रहता हूँ मैं इंटेलिजेंसिया के और रिसर्च वगैरह के, क्या आखिर क्यों ये क्यों हो रहा है सब कुछ। बॉटम लाइन जो समझ आती है उसमें दो बड़े रीज़न नज़र आते हैं हमें जी, जी। हर शख्स अपने एंगल से चीज़ को देखने की और ठीक करने की और अपने क्रेडिट के लिए लेने की कोशिश में कहते हैं मसरूफ है। चाइना के अंदर कैसे मस्जिदें तोड़ी जा रही, कैसे उनको बाथरूम टॉयलेट्स बनाने का भी काम किया जा रहा है चाइना के शिनजियांग प्रांत के अंदर, आज पूरी दुनिया देख रही है, आज पूरी दुनिया देख रही है कैसे दाढ़ी नोची जाना, बुरखे फाड़े जाना, ये सब आम बात हो करके वहां पर रह गई है। मगर क्योंकि सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, अन्य इस्लामिक देशों के जो ठेकेदार बने हैं, उनके लिए उनका मजहब सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है। वो हथियार क्या है कि हमसे बिजनेस करो, हमको कर्जा दो, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हमारी कमाई करवाते रहो। यदि हमारी कमाई करवाओगे तो हम तुमको कुछ भी नहीं बोलेंगे, यदि तुमने हमारी कमाई करना बंद करा दिया तो हमारे यहाँ पे कोई कहीं मच्छर भी चार मस्जिद में अगर टकरा जाएंगे तो उसके खिलाफ भी हम जो है यहाँ पर फिर दुनिया भर में तुमको एंटी मुसलमान घोषित कर देंगे, काफिर घोषित कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ हम जिहाद छेड़ देंगे, इसीलिए हमको पैसे खिलाते रहो। पाकिस्तान भी यही कहता है, सऊदी अरब भी देखो कितने अच्छे बिजनेस टाइज है, वो भी कुछ नहीं कहता इनको क्यों हो रहा है ये सब, मस्जिदें क्यों तोड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और भारत में कुछ हो जाए, यूरोप में कुछ हो जाए, स्वीडन में हम देखते हैं, इसराइल में कुछ हो जाए, तो हम देखते हैं पूरी तरीके से पीछे पड़ जाती है ये कौम। ये इनका सिलेक्टिव इस्लाम है, ये इनका सिलेक्टिव है कि किसके खिलाफ बोलना है, किसके खिलाफ नहीं बोलना। पैसा दोगे तो नहीं बोलेंगे, पैसा नहीं दोगे तो बोलेंगे। वीगरों को बड़ा अच्छा आता है दही खाना, उनको उनकी डाइट में दही, हमारी डाइट में दही है, उनकी भी डाइट में दही है। चाइनीज ने बोला कि यार ये वीगर मुसलमान जो है ना दही बहुत खाते हैं, दही बैन कर दिया उन्होंने भाई साहब, दही बैन कर दिया। उन्होंने बोला मोहम्मद नाम नहीं हो सकता किसी का वरना जेल जाओगे। उन्होंने बोला रमजान में तुम रोजे रखोगे तो मुसलमानों ने बोला भाई रमजान में रोजे नहीं रखेंगे, कब रखेंगे, कह रहा नो नॉट एट ऑल। एक दूसरे में लाठी बजा दें लोग तो वहां पे भारत का नाम अखबार की सुर्खियां बन जाता है कि अरे अरे भारत में तो ये है, भारत में तो सभी डेमोक्रेसी पूरी पूरी कलैप्स हो गई, भारत की वो वैल्यूज नहीं रही जो महात्मा गांधी ने दी थी भारत को, और भारत अब भारत नहीं रहा, बड़ा दिल में हमारे दुख है। लेकिन यही लोग चाइना से अरबों डॉलर का धंधा करते हैं, यही लोग चाइना के बारे में बिल्कुल चुप हैं, यही लोग चाइना के बारे में कुछ नहीं बोलते। चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आया एंड ही इज कॉल्ड फॉर द सिनोफिकेशन ऑफ इस्लाम। इस कुरान शरीफ में कोई कैरेक्टर ही नहीं यार चाइनीज। अब यार कुरान शरीफ जब लिखी गई थी तो वहां दैट वॉज इन द एरिया ऑफ सऊदी अरेबिया, हिजाज कहते थे एक जमाने में उसको, अरेबिया वॉज कॉल्ड हिजाज, मक्का ये मदीना वॉज कॉल्ड यथरिब। अब ये वहां की पूरी है ना जो कहानी है कि वो फरिश्ता जिब्रील आए और उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को फिर कुरान शरीफ के बारे में बताया, फिर वो दुनिया भर में, वो तो सऊदी अरब। अब उधर चाइनीज कहां से आ जाएगा पता नहीं, किसको ये ब्रूस ली जैकी चैन किसको बीच में डालना चाह रहे हैं, क्या चक्कर है इनका, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों ये कर रहा है वहां पर जाके शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग को इतना डर क्यों लग रहा है, आखिर क्यों ये इतना खड़का भड़का है वीगर मुसलमानों को लेकर। वो तो बेचारे कुछ करते भी नहीं है, उनमें से इक्का दुक्का खड़ा हो गया, कभी किसी को चाकू वाकू मार दिया, वहां पर तो ऐसे बम पटाखे भी नहीं फूट रहे, कोई आतंकवाद भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये क्यों डरता है वीगर मुसलमानों से। इसलिए डरता है शी जिनपिंग क्योंकि वखान कॉरिडोर एक है बीच में। दोस्तों तालिबान ने बंद अमीर नेशनल पार्क में, एक नेशनल पार्क है अफगानिस्तान में बहुत खूबसूरत, वहां पर बोला है कि लेडीज को जाना मना है। अब देख लीजिए आप, औरतों का जाना मना है इस नेशनल पार्क में, बंद अमीर नेशनल पार्क में। क्यों? पहले आपने औरतों को मना करा, ठीक है, कि आप टेलीविजन स्टूडियो में एंकरिंग नहीं करोगे, चलो ठीक है, ठीक नहीं है लेकिन चलो ठीक है। फिर आपने बोला कि साहब यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगी लड़कियां अगर 6.5 पर ग्रो कर रही है, और अगर उसको आपको 9 और 10 पर ले जाना है ना, हमारी क्यों 9 और 10 पर नहीं है आज? उसका यह कारण भी है, कई कारण है उसका, एक कारण यह भी है कि वुमेन हैव नॉट ज्वाइंड द वर्कफोर्स एज मच एज मैन। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं इकोनॉमिक्स का। जिस दिन
भारत में भी, देखिए भारत में काफ़ी हद तक आज़ादी है, लेकिन फिर भी गांव में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, गांव में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, शायद वो एजुकेशन नहीं है कि आज के नॉलेज फोकस्ड वर्कफोर्स का हिस्सा मर्द भी बने औरत भी बने। और स्टेट दोनों इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो हमारी है, मियां साहब थे, जरदारी साहब थे, बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी थी दोनों की, एक अफगानिस्तान को और एंगल से देखता था, दूसरा दूसरे एंगल से। इमरान आया, इमरान उसको एक और तीसरा एंगल उठा के ले आया, ठीक है। ऑल्दो थिंक टैंक होंगे, इन्होंने सोचा होगा, वला आलम कुछ क्या मैच नहीं देखता। फिर इन तीनों के साथ डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व रही, गवर्नेंस के लोग, स्टेट के लोग आपस में बैठ के एक पॉलिसी डिवाइज नहीं करते और किसी एक इंस्टीट्यूशन पे छोड़ दिया जाता है, तो फिर होता क्या है कि वहाँ पर चूंकि सारे थिंक टैंक्स नहीं होते, हर पॉलिसी का एक अपना अपना एंगल होता है, किसी का सिक्योरिटी होगा, किसी का स्टेबिलिटी का एंगल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बॉर्डर कंट्रोल होगा, अफगानिस्तान में अमेरिका का होना, फिर अमेरिका का निकलना, फिर अफगान हुकूमत का एटीट्यूड हमारी तरफ, फिर हमारा हुकूमत का एटीट्यूड अफगानिस्तान की तरफ, फिर तालिबान की एग्जिस्टेंस, तालिबान का टेक ओवर करना, तालिबान का एक कमज़ोर हुकूमत होना, तालिबान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तालिबान के सिक्योरिटी प्रॉब्लम, तालिबान की डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें। तो इन सारों को जब इकट्ठा करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान का खराबी में हाथ है, उधर से भी होगा, सोवियत इन्वेजन के बाद या उससे पहले जब वहाँ पर वो सुर्खों वाला हमारा प्रॉब्लम, बल छोड़ें इस चीज़ को। ओके, हम अफगानिस्तान को अनदर स्टेटमेंट जिसको मैं अटैम्प्ट क्रिटिसाइज भी होता हूँ, हम अफगानिस्तान को समझ नहीं सके जी। हमने अफगानिस्तान को मिसहैंडल किया, हमारे अंदरूनी हालात हमें किसी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी की तरफ लेकर नहीं जा सके जी। दुनिया में आपकी जो फॉरेन पॉलिसी पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग हैं वो एक लफ्ज़ कहते होते हैं, वो कहते हैं आपकी अंदरूनी पॉलिसी, आपकी अंदरूनी मुल्की हालात, सियासी माशी सिक्योरिटी के हालात आपकी फॉरेन पॉलिसी की गमाजी करते हैं। जिहाद के कॉन्सेप्ट में चल पड़ते हैं, कभी हम MRD बना देते हैं, कभी हम PDM बना देते हैं, कभी हम क्या बना देते हैं, कभी क्या बना देते हैं। तो nobody is to be blamed except the internal park corridors में जो लोग बैठे हैं उनका कसूर है, हमारी अफगान पॉलिसी की इनकंसिस्टेंसी का। सर अब आते हैं जो आपने कहा ना कि ब्लेम जी जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान की भी सेम सूरत हाल, दो पार मेजर पार्स हैं, दो ब्रिटिश सॉरी सोवियट्स एंड US, उनके क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं कपल्ड विद उनका अपना सा थोड़ा हिस्सा बजूस जुस्सा उन्होंने खुद भी डाला है जिसमें तालिबान भी आ जाते हैं। शी जिनपिंग ने साफ तौर पर ऐसे बयान जारी करने चालू कर दिए हैं, चाइना ने साफ तौर पर ऐसे बयान जारी करने चालू कर दिए हैं। आप देखो पहले से ही अगर हम बात करते चले तो सबसे पहले चाइना की तरफ से ये बातें आई सामने, जो दुनिया भर के मुसलमान अपना एक उनका तरीका होता है, दाढ़ी रखना, मूछें मुड़वा के रखना, सर पे स्कल कैप पहनना, ये सब तरीका होता है। उसको बोला कि ये चाइनीज हिस्ट्री का या चाइनीज संस्कृति का ये सब हिस्सा नहीं है, इसको हम बाहर का मानते हैं, इसलिए तुड़वाओ मतलब कटवाओ। लोगों की दाढ़ी पकड़ पकड़ के दाढ़ियाँ नोची गई हैं, दाढ़ियाँ काटी गई हैं, जबरन बुरखा कहते हैं, बुरखा ही है हमारा चाइनीज सभ्यता का हिस्सा नहीं, उसको फाड़ फाड़ के जबरन मतलब आप समझ सोच के देखें कि वहाँ पर उइगर मुसलमान की औरतें चल रही हैं और वह कहता सीधे चाइनीज पुलिस वाले आते हैं, चाइना की जो अपने आर्मी वाले आते हैं और आ करके उनके खुलेआम ऐसे बुरखे काट काट के स्कर्ट जितना छोटा कर देते हैं, ऐसे खुलेआम करते हैं। ये कितना एक ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है, कितना बड़ा, आप इसको आप अंदाजा लगा दे, कितनी बदतमीजी भरी हरकत है। चलो ये तो इंसान एक बार को फिर भी जैसे तैसे समझ जाए, मगर उसके बाद क्या होता है, मस्जिद को क्योंकि पूरा का पूरा तो तोड़ नहीं सकते, कोई भी दुनिया में नहीं तोड़ सकता, मगर क्या किया इन्होंने, कहीं भी आप मस्जिद देखते होंगे तो देखते होंगे उसके साइड साइड में खंभे जैसे, पिलर जैसे, मीनार जैसे होते हैं,
उसको तोड़ना चालू किया, कहते ये जो है ये चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, चाइना में पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता। तो एक तरीके से मस्जिद को आधा अधूरा तोड़ ताड़ के पूरा डिमोलिश कर दिए गई। ऐसे सैकड़ों हजारों मस्जिदें जो हैं शिनजियांग प्रांत के अंदर तोड़ दी गई हैं, उनका आधा आधा तोड़ दिया गया। आप स्वाभाविक से बात है, कोई हाथ से तोड़ने तो आएंगे नहीं, जेसीबी से तोड़ेंगे तो उसका जो है टूटनापन उससे थोड़ा जेसीबी इधर उधर भी लगेगा। बाकी पूरी की पूरी मस्जिद एक तरीके से डिमोलिश करके रख दी, और ना पाकिस्तान की तरफ से एक भी शब्द फूटा, ना सऊदी अरब की तरफ से एक भी शब्द फूटा, ना तुर्की की तरफ से एक भी शब्द फूटा। यही तो दो तीन देश हैं जो सबसे पहले नुपुर शर्मा के मामले में, या आज स्वीडन में कुछ हो रहा है, आज नीदरलैंड में कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर बोलते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे इनका इस्लाम क्या मर जाता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, या इनका इस्लाम सिर्फ ऐसा है, या इनके लिए पूरा इनका मजहब जो है वो ऐसा है कि भारत में कुछ होगा जो पॉलिटिकली जिसके साथ में अलाइनमेंट नहीं है, उन देशों में मुसलमान के साथ में कुछ होगा तो हम बोलेंगे, और जिनके साथ में हमारा अलाइनमेंट है उन देशों में मुसलमान को चाहे मार दो, चाहे जिंदा जला दो, मस्जिदें तोड़ दो, सब कुछ ऐसी तैसी कर डालो, कितने कुरान के साथ में भी वहां पर भी कई सारी चीजें हुई, उन सब पे कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पर तो पैसा है। इसका मतलब इन सब देशों के लिए इन्होंने अपने हिसाब से ऐसा मजहब को बना रखा है कि वहां पर मजहब की बेइज्जती हमको तब तक बेइज्जती नहीं लगेगी जब तक उस देश से, पर्टिकुलर देश से हमारे पास में पैसा आ रहा है। जहां किसी देश से हमारे पास में पैसा आना बंद हो जाए, अब देखो चाइना पैसा देना बंद कर दे, चाइना कहते कि जा साले तेरे को हम पैसा नहीं देंगे, एक फूटी कौड़ी देंगे, वहीं पर फिर सब निकल आएंगे, फिर सब ये हाय हाय मुसलमान हो मुसलमान, फिर सब चालू हो जाएगा। पाकिस्तान का भी, सऊदी का भी, सऊदी से रिश्ते तोड़ दे करो, जो बिजनेस चाहिए तोड़ दे, अभी देखिए सब चालू हो जाएंगे। तो ये उनके लिए एक वेपन है कि हमसे दोस्ती करो वरना हम तुमको एंटी काफिर बोल करके और एंटी मुसलमान बोल करके तुम्हें ऐसे ऐसे कर देंगे, इसलिए हमारे साथ में दोस्ती करके बिजनेस करके रखो।